वॉरेन बफेट की नेटवर्थ एज ऑफ 2021 है 96.3 बिलियन US डॉलर। बिल गेट्स की टोटल नेटवर्थ एज ऑफ 2021 है 126 बिलियन US डॉलर। दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो इनकी नेटवर्थ करीबन बनती है 222 बिलियन US डॉलर। इन पैसों को अगर डिटेल में समझना हो तो अगर हम श्रीलंका, नेपाल, जमैका, मंगोलिया, मालदीव्स, येमन, तजाकिस्तान, फिजी और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज की जीडीपी भी ऐड कर दें तो भी ये इन दोनों की नेटवर्थ के बराबर नहीं पहुंचती। लेकिन अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो इसमें हमें कोई महंगी गाड़ी नहीं दिखती, कोई महंगे कपड़े, ना महंगे जूते, ना महंगी कार दिखती है। इनसे ज्यादा महंगे कपड़े तो हमें से बहुत से लोग पहन लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में आखिर डिफरेंस क्या है। जिसके पास इतना पैसा है वो शो ऑफ नहीं करना चाहता, और जिनके पास बहुत ही कम पैसे हैं वो अपनी लिमिट से बाहर जा जाके लोन लेके शो ऑफ करना चाहते हैं ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो भी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, अमीर बन चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कहता है कि रिच पीपल यूज डेट टू क्रिएट न्यू एसेट्स। जब आप लोन या उधार का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? एक नेगेटिव फीलिंग आती होगी कि लोन का मतलब कुछ गलत ही होगा। या तो हम लोन अपनी लिमिट से ज्यादा महंगी कार लेने के लिए लेते हैं या फिर हम कोई महंगा घर लेने के लिए लेते हैं। इवन 30 साल तक के लिए हम होम लोन चुकाते भी हैं। अब क्योंकि एक पुअर माइंडसेट लोन लेता है दिखावे की चीजें लेने के लिए, लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान डेट लेता है एक और एसेट क्रिएट करने के लिए, और डेट की वजह से उसे लेवरेज मिलती है जिससे वो बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 31 मार्च 2020 को रिपोर्ट किया था कि उन पर 1,65,035 करोड़ का लोन है। ऑब्वियसली इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जियो 4G लाने के लिए इतना पैसा तो चाहिए ही था। लेकिन सिर्फ 197 दिनों के बाद यानी नवंबर 5, 2020 में रिलायंस ने अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज को सेल कर दिया 2,60,024 करोड़ रुपए में, और अपनी कंपनी को डेट फ्री बना दिया। अब कई लोग बोलेंगे कि अभी कंपनी डेट फ्री नहीं हुई है या रिलायंस ने डेट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। जिसे अगर आसान शब्दों में बोलें तो मान लीजिए आपने एक लोन लिया नया एसेट क्रिएट करने के लिए। वो आपने एसेट क्रिएट किया, उसी एसेट का कुछ हिस्सा बेच के आपने लोन चुका दिया। अब आपके पास ऑलमोस्ट 0 रुपीज इन्वेस्ट किए हुए एक नया एसेट तैयार है जो आपके लिए हर वक्त और पैसे बना के देता रहेगा। और अगर आप एक रिच माइंडसेट वाले इंसान हो तो अब जाके फाइनली आप इस एसेट से अपने लिए कूल गैजेट्स खरीद सकते हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपनी पार्टीज में इनवाइट कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्रिएट एसेट एंड देन एसेट फ्रॉम एन एसेट। रॉबर्ट कियोसाकी जब 12 साल के थे उस वक्त वो अपने दोस्त माइक और अपने रिच डैड के साथ बीच में घूमने गए, तो चलते चलते रिच डैड ने माइक और रॉबर्ट से कहा, ये जो तुम प्रॉपर्टी देख रहे हो ये मैंने खरीद ली है। रॉबर्ट ने प्रॉपर्टी को देखा और वो शॉक हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके रिच डैड इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि रिच डैड उस वक्त इतने भी रिच नहीं थे। रॉबर्ट बेशक 12 साल के थे लेकिन उन्हें ये पता था कि बीच के पास वाली प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती है, और रॉबर्ट के रियल डैड जो कि पीएचडी थे और गवर्नमेंट से हाई सैलरी ले रहे थे वो भी इस प्रॉपर्टी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब रिच डैड ने देखा कि ये बात सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो रहे हैं तो उन्होंने रॉबर्ट को कहा, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है बल्कि मेरी कंपनी ने खरीदी है। रॉबर्ट को बहुत सालों के बाद ये बात समझ आई कि क्यों रिच माइंडसेट वाले लोग एसेट से एसेट खरीदते रहते हैं। रॉबर्ट ने समझा कि जहां पर एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान पैसे आने पर एक के बाद एक लायबिलिटी लेने लगता है, 30,000 की सैलरी के बावजूद एप्पल के गैजेट्स चाहिए, एयरपॉड चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और ऑब्वियसली हाई ब्रांड कपड़े तो पहनने ही है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान पहले तो बहुत मेहनत करके एक एसेट बनाता है जो बहुत कम मेहनत पर भी उसे कॉन्टिन्यूसली पैसे देते रहे। उसके बाद वो उन एसेट से जो पैसे आते हैं उसे दूसरा एसेट बनाता है, फिर दो एसेट के पैसों से वो तीसरा एसेट बनाता है, एंड सो ऑन। और फिर ये कंपाउंडिंग का मैजिक चलने लगता है और ज्यादा पैसे से पैसा कमाना और आसान हो जाता है। आइए इसे रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 1960s में धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल दमानी ने एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, यानी एक एसेट क्रिएट किया गया। बाद में इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम दे दिया गया, और इस एसेट से बहुत से एसेट्स क्रिएट किए गए जैसे कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस होम फाइनेंस एंड रिलायंस हेल्थ एक्सेट्रा। तो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैक्सिमाइज एक्सपेंस एंड मिनिमाइज इनकम। जस्ट रिमेम्बर हमें बचपन से घर वालों ने क्या सिखाया था, बेटा कम खर्चे करो, ज्यादा कमाओ और ज्यादा पैसे सेव करो, बुरे वक्त में पैसे ही काम आएंगे। और ऑब्वियसली
अगर हम अपने आसपास वाले मिडिल क्लास फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को देखते हैं तो लगता भी है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, क्योंकि जो पड़ोसी कुछ ज्यादा ही कंजूस थे, 10-20 सालों के बाद उन्होंने ही अच्छी कार ली और उन्होंने ही एक बड़ा घर भी बनाया। लेकिन अपनी बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग अपने एक्सपेंसेस ज्यादा करते हैं ताकि इनकम कम से कम लगे। अब ये जो पहली बार सुनता है उसे ये बात अजीब सी लगती है कि ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन रियलिटी में जो ऑलरेडी सुपर रिच हैं या जो सुपर रिच बनने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल एक लड़का है जो अच्छी सैलरी कमाता है, लेट्स से 50 लाख रुपीस एनुअली। राहुल अगर इन्वेस्ट करना भी चाहता है तो भी उसके पास बहुत कम पैसे बचेंगे। पहले उसे टैक्स देना पड़ेगा, अब जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स भी होगा, और फिर सारे घर के एक्सपेंसेस के बाद कुछ पैसे बचेंगे। अब एक तो ये पैसे उतने ज्यादा नहीं होंगे और साथ में अगर राहुल इन पैसों को सेव करता है तो उसके इंटरेस्ट में भी उसे टैक्स ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई बिजनेसमैन 50 लाख रुपीस कमाता है तो वो इन 50 लाख रुपए में से शुरू में ही अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है या फिर एक नया एसेट क्रिएट कर सकता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके। इतना ही नहीं, वो अपने ज्यादातर पर्सनल एक्सपेंसेस को इस तरीके से अलाइन करता है ताकि उसके बिजनेस एक्सपेंसेस का गोल और पर्सनल गोल भी मीट हो जाए, जैसे कि घर में ऑफिस बना के उसे रेंट पे दे देना, बिजनेस ट्रिप के साथ साथ वेकेशन भी हुआ ना। इन शॉर्ट, एक्सपेंसेस बिजनेस की इनकम से डिडक्ट होते रहेंगे और बाकी खुद की सैलरी। तो हुआ ये कि बिजनेसमैन ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की, फिर एक्सपेंसेस किए और बाद में बची हुई इनकम से टैक्स दिया। लेकिन एक एम्प्लॉई ने सबसे पहले मेजर चंक टैक्स में ही दे दिया और फिर अपने एक्सपेंसेस किए और फाइनली अगर कुछ बचा तो उसे इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिच माइंडसेट वाले लोग दे इन्वेस्ट इन लर्निंग। किसी भी सुपर रिच से पूछ लो कि वो फ्री टाइम में क्या करते हैं। आई रीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ, आई रीड नॉन फिक्शन। दे एनकरेज यू टू रीड बुक्स, दे एनकरेज यू टू रीड बुक्स। आई लाइक बायोग्राफीज इन जनरल, बायोग्राफीज आई थिंक आर रियली, यू नो, रियली इंटरेस्टिंग रीड। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि एक बार एक लड़की उनका इंटरव्यू लेने आई और उसने रॉबर्ट से कहा कि मैं भी किसी दिन तुम्हारी तरह ऑथर बनना चाहूंगी। रॉबर्ट ने उस लड़की के आर्टिकल्स पहले पढ़े थे और रॉबर्ट को वो अच्छे लगे थे, इसलिए रॉबर्ट ने उस लड़की से कहा, तो तुम रुकी क्यों हो, तुम तो काफी अच्छा लिखती हो। तो उस पर उस लड़की ने कहा, पता नहीं सब कहते हैं कि मेरा काम अच्छा है लेकिन कुछ होता ही नहीं, मेरे पास अब ये जॉब है, कम से कम इससे बिल्स तो मैं अपने पे कर सकती हूँ। रॉबर्ट ने उस लड़की से कहा कि ऐसा करो, मेरा एक फ्रेंड है सिंगापुर में, वो सेल्स की ट्रेनिंग देता है, उससे सेल्स का कोर्स करो और आपका करियर इम्प्रूव हो जाएगा। ये सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे नफरत है सेल्स के लोगों से, मैं एक प्रोफेशनल हूँ ना कि सेल्स गर्ल, और वो ये कहकर वहां से चली गई। इस पर रॉबर्ट कहते हैं कि हम एक बार स्कूल से एजुकेशन लेके अपनी लर्निंग ही रोक देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिससे हमारी बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए, लेकिन कई लोग इसे समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल इस लड़की की तरह, जो राइटर तो अच्छी थी लेकिन उसे लगा कि उसका काम बिना सेल्स की स्किल सीखे अपने आप ही बिक जाएगा। इन शॉर्ट, कंटिन्यू योर एजुकेशन, पूरी जिंदगी सीखते रहो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चार कॉन्सेप्ट्स की बात करी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि यूज डेट टू क्रिएट न्यू एसेट। इस पॉइंट में हमने जियो का एग्जांपल देखा था कि कैसे पहले लोन लेके एक मेगा बिजनेस स्टार्ट किया गया और बाद में उसी बिजनेस का कुछ हिस्सा देके लोन चुका दिया गया। दिस इज एक्चुअली अ रिच माइंडसेट। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि क्रिएट एसेट एंड देन क्रिएट एसेट फ्रॉम एन एसेट। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इन शॉर्ट, अगर हम कोई ऐसा एसेट नहीं क्रिएट कर पाते जो हमें पैसे कमा के देता रहे तो हमें पूरी जिंदगी काम करते रहना पड़ेगा। रिच माइंडसेट वाले लोग ये बात जानते हैं, इसलिए वो भी लायबिलिटी लेने से पहले एसेट बनाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकते, वो एसेट से एसेट्स बनाते रहते हैं। इसमें हमने रिलायंस का एग्जांपल देखा था कि कैसे आज रिलायंस एक बिजनेस एम्पायर है जिसके अंडर रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस होम फाइनेंस एंड रिलायंस हेल्थ भी है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करी थी कि मैक्सिमाइज एक्सपेंस, मिनिमाइज इनकम। इस पॉइंट में हमने देखा था कि जहां पर एक एम्प्लॉई पहले टैक्सेस देता है, फिर एक्सपेंसेस करता है और फिर सेव या इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन सबसे पहले अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, फिर एक्सपेंसेस देता है और लास्ट में बहुत कम अमाउंट का टैक्स देता है। और यही रीजन है कि बिजनेसमैन अपने एक्सपेंसेस को मैक्सिमाइज करके अपनी इनकम को मिनिमम दिखाना चाहता है ताकि उसे कम से कम टैक्स देना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्ट इन लर्निंग। वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर माइंड। इसलिए रिच माइंडसेट वाले इंसान हमेशा ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं और लाइफ लॉन्ग नई चीजें सीखते रहते हैं। वो कभी इस इल्यूजन में नहीं रहते कि उन्हें सब कुछ पता है।
तो दोस्तों, अगर आप ही इस रिच माइंडसेट के फोर्थ पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं